नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार और मेरे साथ हैं हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार उपेंद्र। दोस्तों, जब बात हो रही है जब लड़कियों की शिक्षा की और शिक्षा व्यवस्था की, तो ऐसा आम समाज में माना जाता है कि शिक्षा बहुत महंगी हो गई है और शिक्षा उसी को मिल सकता है जिसका बैकग्राउंड अच्छा हो, जो या फिर घर से बाहर बड़े शहरों में जाएं, वही कोई बड़े बड़े परीक्षा यूपीएससी बीपीएससी क्रैक कर सकते हैं। लेकिन हम आज हैं औरंगाबाद जिले के एक गांव में, कस्बा में, हसपुरा में, जहां की बेटी खुशबू बीपीएससी परीक्षा पास की है। और हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम खुशबू से बात करेंगे और खुशबू से जानेंगे यहाँ तक के सफ़र में कौन कौन सी परेशानियाँ आई, कौन कौन सी सुविधाएँ मिली और आगे लोगों को प्रेरणा देने के लिए और इनके मन में क्या और विचार है। तो हम बात शुरू करने से पहले हम परिचय जैसा दिए थे उपेंद्र कश्यप जी के, उपेंद्र कश्यप जी से हम प्रारंभ नमस्कार। करेंगे। परिचय देते हुए हम कहेंगे कि आप सिलसिला शुरू कीजिए। आप देख रहे हैं ठोक तंत्र, फोर्थ व्यूज और मगध संवाद। खुशबू, गांव में पढ़ाई करना ऐसे भी मुश्किल माना जाता है, खासकर लड़कियों का स्कूल कॉलेज जाने को लेकर बड़ी विचित्र स्थिति समाज में रही है। तुमने कैसे सफर शुरू ये की? तो मैं 10th तक की पढ़ाई स्कूल आई, उस साल मेरा वहाँ बस से आना जाना रहा, उसमें कोई परेशानी नहीं हुई। और उसके बाद जो मेरा ग्रेजुएशन हुआ है वो भी दाऊदनगर से ही हुआ है, महिला दाऊदनगर कॉलेज से? जी, महिला कॉलेज दाऊदनगर से। और फिर उसके बाद मेरा 2017 में ग्रेजुएशन हुआ, उसके बाद मैंने बैकअप के रूप में तुरंत बीएड में एडमिशन ले लिया। भगवान प्रसाद सोनाथ प्रसाद बीएड जी कॉलेज हाँ में। जी हाँ, बीपीएससी बीएड कॉलेज से। और मेरा 2019 में बीएड कंप्लीट हो गया। उसी दरमियान एक्चुअली मेरे स्कूल में एक दिन प्रोग्राम था, स्कूल में मैं इंटरनल एग्जाम में टॉप की थी। कहाँ? बीपीएससी जी बीएड हाँ, कॉलेज में बीएड 25,000 कॉलेज रुपए का पुरस्कार भी मिला था। तो बीएड कॉलेज में उस दिन हमारे यहाँ डीएम सर आए हुए थे, तो उनके द्वारा मुझे पुरस्कृत किया गया। तो उसी दिन मुझे लगा कि हमें भी ये करना चाहिए, मतलब मन जो में सम्मान समारोह हुआ, हाँ जो हाँ पुरस्कार वितरण हुआ, उससे लगा कि और प्रेरणा बढ़ी, जज्बा तो बढ़ा। मैं नहीं, सबसे पहले 64th का बीपीएससी का फॉर्म डाली, वहीं से मेरा बीपीएससी बीएड कॉलेज से ही मेरा ये सफ़र शुरू हुआ बीपीएससी का। और उसके बाद जब मैं 64th का फॉर्म डाली तो तैयारी में भी लग गई, कॉलेज का से आना जाना। तो उस दौरान मैं क्या करती थी कि समय का थोड़ा अभाव भी होता था, तो जब ऑटो में मैं जा रही होती थी तो उस टाइम थोड़ा पढ़ लेती थी। जब ऑटो में जाते समय भी पढ़ती हाँ, थी, वो तो आधे घंटे का समय जो लोग मिलता था। साथ में रहते होंगे टेम्पू में हाँ और भी जो दूसरे सवारी रहते होंगे, उनको तो अच्छा नहीं लगता होगा। नहीं, कोई कमेंट कभी नहीं आता था क्या? नहीं एक्चुअली ये था कि हम लोग यहाँ से 10-15 बच्चे जाते थे अच्छा, कॉलेज। अपना रिजर्व ऑटो करके हाँ, तो वो ऑटो हम लोग का रिजर्व होता था, तो हम लोग एक ग्रुप भी बना लेते कि हम लोग पढ़ते हुए ही जाएंगे। रास्ते में। हाँ, तो वो थोड़ा था वहाँ पे। उसके बाद मेरा वो चला, फिर घर पे आकर पढ़ाई करना कॉलेज का भी और फिर इसके लिए भी साथ में। प्रीलिम्स की एग्जाम हुई तो उसमें मुझे उम्मीद तो नहीं था, लेकिन मैं प्रीलिम्स पास कर गई। तो फिर फाइनली मुझे मेंस देने का मौका मिला, और मेंस के लिए मैंने वहीं से तैयारी शुरू किया, प्रीलिम्स के रिजल्ट होने के बाद से। खुशबू, एक बार मेरे मन में बहुत विचार है, तुम आप क्या करती हैं, मतलब कौन सा काम कर रही थी अभी? अभी अभी तो मैं शिक्षिका के पद पे शिक्षिका कार्यरत थी हूँ। सरकारी स्कूल में। जी हाँ जी हाँ देखिए, सरकारी स्कूल के शिक्षकों के बारे में अक्सरहा जो आम धारणा बना हुआ है, और खास करके एक महिला शिक्षक के बारे में, हम लोग देखते हैं, हम लोग मीडिया में जिस तरह का परसेप्शन बनाया गया है कि उनको आता बुझाता नहीं है कुछ, और सवाल पूछा जाता है हल्के हल्के सवाल के, राष्ट्रपति कौन है भारत के, तो ऑरेंज का तब काफी स्पेलिंग, बवाल भी इस पर नेशनल होता का स्पेलिंग पूछते हैं लोग, कुछ ऐसे करके करते हैं। तो मतलब एक प्रश्न बनाता है कि शिक्षक जो है, सरकारी स्कूल का शिक्षक, वो खुद नहीं आता है। अभी खास करके एक सोनू था। नाम का लड़का था, वो भी कुछ इस तरह का वो किया हाँ, था। वो तो मीडिया में लेकिन आया एक शिक्षिका होने के नाते, सरकारी स्कूल का शिक्षिका होने के नाते, आज तो आपने बीपीएससी क्रैक करके सप्लाई इंस्पेक्टर के पद तक पहुंचे हैं, तो इस बारे में आपका क्या विचार है, हम क्या कहना चाहेंगे? ऐसा नहीं कर सकते शिक्षक। एक्चुअली स्कूल में बीच में थोड़ी हो गई थी प्रॉब्लम कि बिना एग्जाम्स के शिक्षकों की भर्ती कर दी गई थी, तो
था, उसमें कुछ शिक्षक ऐसे चले गए थे, लेकिन अगर सारे शिक्षकों को देखा जाए तो सरकारी स्कूल के शिक्षकों में काफ़ी टैलेंटेड हैं, अभी भी हैं। और अभी जैसे अभी जो नवनियुक्त शिक्षक हम लोगों के साथ बहाल हुए हैं, तो उनमें मुझे लगता है कि सारे शिक्षकों में क्वालिटी है वो पढ़ाने वाली। और अभी आप कहीं भी स्कूल में जाएंगे इस दौरान तो आपको स्कूल का एक अलग माहौल मिलेगा। अभी हम अपने स्कूल में ही बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, जैसे बच्चों को ये फील हो रहा है कि हम प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं। उनके लिए हमने टाई बेल्ट की भी व्यवस्था करवा दी है। अच्छा, जहां अभी पढ़ा रहे हैं। जी हाँ, अपने अभी एक शिक्षकों का ग्रुप में बात निकली थी कि जो व्यक्ति बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो स्कूल की नौकरी छोड़ दें, या जो स्कूल में नौकरी ज्वाइन कर लिए हैं वो बीपीएससी या दूसरी जगह नहीं जाएं, सीट बर्बाद होता है। जैसे आप एक टीचर थी, वहाँ किसी और का हो सकता था जब आप बीपीएससी कंप्लीट करने लायक थी। तो सर ऐसा है कि मैं वहाँ पे भी सेवा ही दे रही थी और आगे भी मैं सेवा ही दूंगी, तो जो शिक्षक का पद खाली होगा तो वहाँ जो नए बहाली आएंगी तो वो तो पुनः तो भर जाएगी, उसमें कोई समस्या नहीं, उसमें कोई आपत्तिजनक स्थिति नहीं है। और मुझमें अगर कैपेबिलिटी आगे और अच्छा देने का, तो मुझे लगता है सबको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए और आगे प्रयास करते रहना। थोड़ा सा फिर पीछे आपको ले चलेंगे। आपने कहा कि हम टेम्पू पर ऑटो पर बैठ कर जाते थे और पढ़ते हुए जाते थे, तो कोई ऐसी घटना जो जीवन में यादगार बन गई हो, दिलचस्प रहा हो? जैसे आप ऑटो पर जा रहे हैं, सही है कि आप अपने ग्रुप के लोगों के साथ हैं, लेकिन देखने वाले आपके ग्रुप के लोग नहीं थे, कोई ना कोई तो लोग देखता ही होगा, तो कोई कभी कमेंट या अच्छा अपने आप में ना लगता हो कि हम पढ़ रहे हैं लोग क्या कहेंगे, कभी ये सोच रही थी क्या? नहीं नहीं, ऐसा तो मुझे अभी तक फील नहीं हुआ था, ऐसा फील नहीं हुआ। नहीं नहीं, वैसे भी मेरे पापा बोलते हैं कि लोग क्या करें इस पे मत ध्यान दो, ये कहा भी जाता है कि लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता मत करिए, आप अपना करिए। आप अपने हम उम्र बच्चों को जो तैयारी कर रहे हैं या जो कल चल के तैयारी करेंगे, उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? उन्हें मैं यही कहूंगी कि आपका जो भी लक्ष्य है, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो या कोई भी लक्ष्य हो, तो आप उसके लिए निरंतर प्रयास करते रहिए और सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। लेकिन सफलता का दर तो हमेशा कम ही रहेगा ना? सफलता का दर कम है, लेकिन आप इतने उस लेवल का तैयारी हो जाता है, आप उस कुछ ना कुछ समाज को दे सकेंगे, आपके अंदर एक क्वालिटी इम्प्रूव हो जाएगा तैयारी के दौरान। 65वीं बीपीएससी परीक्षा में आपका मतलब थोड़े से मार्क्स के लिए नहीं हुआ था, उसके बाद फिर आप स्कूल ज्वाइन कर ली। स्कूल ज्वाइन करने स्कूल में अभी फिलहाल ज्वाइन की हूँ, मेरा सारे एग्जाम्स हो गए थे। एग्जाम्स हो गए थे, इंटरव्यू भी जो मेरा पड़ा ये 66वीं का, तो वो गर्मी की छुट्टी में पड़ी इसलिए कोई समस्या भी नहीं। तो पिछले जो असफलता लेकिन उससे क्या कितना मदद मिला और यहाँ ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहिए खास करके? और दो सवाल में एक साथ, तैयारी के लिए लोग बीपीएससी की तैयारी के लिए, यूपीएससी की तैयारी के लिए अपना घर छोड़ के बड़े शहरों में जाते हैं, कोचिंग लेते हैं, तो कोचिंग कहाँ तक मददगार है? खुद पढ़ना ज़्यादा मतलब कौन ज़्यादा अच्छा है? आपको कुछ ऐसा लगा कभी कि हम अगर मैं भी कोचिंग लेती तो और अच्छा कर सकते, अच्छा रैंक आ सकता था? नहीं, कोचिंग का जहाँ तक सवाल है तो थोड़ा मार्गदर्शन तो मिलता ही है, मार्गदर्शन, लेकिन आज के समय में अगर देखा जाए तो यूट्यूब से काफ़ी हेल्प मिल जाती है, इंटरनेट से, तो आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। और ये सबसे पहले अपने मन से निकालना होता है कि कोचिंग करेंगे तभी हमसे होगा, ये चीज़ मन में नहीं होना चाहिए। तो अगर आप सेल्फ स्टडी करते तो मुझे लगता है वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आप अपने कमियों को, अपने जो स्ट्रेंथ है उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं ना। कोचिंग वाले आपको एक लिमिट में बांध देते हैं, वो अपने सिलेबस पढ़ाएंगे उसी अकॉर्डिंग आपको चलना, लेकिन जब आप खुद से पढ़ते हैं तो आपकी कमी कहाँ पे है, कहाँ पे आप ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, तो उस पर आपकी हमेशा पैनी नज़र होती है। बच्चे को ऐसा कहा जाता है कि आप बता रहे हैं कि इंटरनेट है, मोबाइल है, उससे पढ़ाई होता है, लेकिन हम जहाँ अभी पेरेंट्स में चाहे इस तरह के हैं कि एक हद तक बच्चों को मतलब मोबाइल का एडिक्ट नहीं बनाना चाहिए, चाहे बच्चे जो है बिगड़ रहे इंटरनेट के चक्कर में, तो ऐसे पेरेंट्स का भी सोच है और बच्चे, तो हम भी पेरेंट्स हैं तो लगता है कि बच्चे सही में मोबाइल से बिगड़ रहे हैं तो इस पर आप क्या कहेंगे बच्चों, क्या बात सही, कितना हद तक सही है कि इंटरनेट बच्चों को बिगाड़ रहा है? ये बात तो सत्य है कि इंटरनेट बच्चों को बिगाड़ भी रहा है तो बना भी रहा है, उसके दोनों पहलू हैं। लेकिन ये है कि बच्चे चूंकि अभी छोटे अगर हैं तो उन्हें तो इतनी नॉलेज नहीं है, तो ये पेरेंट्स का भी फर्ज बनता है कि हम उन पर ध्यान देंगे वो क्या कर रहे हैं उस पर, और अगर आप अच्छे से उन्हें गाइड करेंगे, सही गलत के बारे में बताएंगे, तो मुझे लगता है वो उसका फायदा ही उठाएंगे। अब आप सप्लाई इंस्पेक्टर बनेंगे तो उसका मूल काम क्या है?
मूल काम तो मुझे अभी उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे अभी तक पता चला है तो जो भी पीडीएस वाले जन वितरण प्रणाली वाले होते हैं तो उनका इंस्पेक्शन करना हमारा मतलब आप पेट भरने की जिम्मेदारी लेंगी। अब एक चीज और मैं बिहार के संदर्भ में मैं पूछना चाहूंगा यहीं पे भाई, तो अब आप लोगों का पेट भरेंगे जो पीडीएस है, जो विभिन्न तरह के खाद्यान्न से संबंधित योजनाएं हैं उसका कार्यान्वयन कैसे हो इसकी जिम्मेदारी अब आप पर है। एमओ का यही है सप्लाई अफसर का काम। मुझको मेरा सवाल यह है कि पेट भरना और दिमाग में ज्ञान भरना जो आप अभी टीचर के रूप में कर रही थी, दोनों में बेहतर किसे मानती हैं? दोनों अपने जगह पे सर बेहतर है। ज्ञान तो सबसे जरूरी ही है और जब व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है तो अपना भोजन का भी व्यवस्था। और अगर पेट नहीं भरेगा तो पढ़ भी तो नहीं पाएंगे। हाँ, तो अगर स्कूल की बात करें तो अभी तो सरकार उसके लिए भी व्यवस्था कर रही है और हम लोगों के लिए इसीलिए भेजा भी जा रहा है कि स्कूल में जो मिड डे मील का है या फिर जो जन वितरण प्रणाली के तहत लोगों तक अच्छी खाद्यान्न पहुँच पा रही है नहीं पहुँच पा रही है, तो ये तो जरूरी है, ये मूलभूत आवश्यकता में आ जाता है। तो ये लगभग आपकी उम्र 20-22 वर्ष हो गई होगी? 24 वर्ष। आप ये बताइए कि अभी तक जो पीडीएस को आप देखी समझी खाद्यान्न से संबंधित योजनाओं को, और अब आप पीडीएस का नियंता बनेंगी, किसी भी ब्लॉक में जाएंगी तो उसका सब कुछ आप ही के हाथ में रहेगा, तो अभी तक आपका क्या अनुभव है? इसलिए कि डीलर को लेकर, खाद्यान्न महकमे को लेकर बड़ी अच्छी धारणा समाज में नहीं मानी जाती है, आपकी अपनी सोच क्या रही है अभी तक? पहले देखा जाता था कि बहुत धांधली होती थी पीडीएस में, जैसे लोगों को देना मतलब धांधली नहीं हो रही है नहीं, जितना अभी काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है, अब जब से पॉस मशीन आ गया है। अच्छा, सुधार हुआ है पॉस मशीन से। तो उसमें लोगों का जब तक नहीं लिया जाएगा अंगूठा का निशान या जो भी प्रक्रिया है तब तक उन्हें मिलेगा भी नहीं, और इसलिए डीलर को भी थोड़ा अभी जैसे ज्यादा ये सावधानी पूर्वक काम कर रहे हैं और जिसको चाहिए रियलिटी में ना उस तक जा रहा है जहाँ तक अभी मुझे। महिलाओं को ऐसे भी बड़ी उदार और कमजोर और बड़ा दयालु सहिष्णु माना जाता है, तो एक सप्लाई ऑफिसर के रूप में जब आप नारी होकर जाएंगे तो क्या लोग आपसे डरेंगे? नहीं नहीं, मुझे लगता है ये महिलाओं का प्राकृतिक गुण है और ये बहुत बड़ी महिलाओं के अंदर एक खासियत है, ये मैं नेचर से मिला हुआ है और ये लगता है मुझे काम करने में और हेल्प करेगा, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आपके पास आता है वो अभाव में आता है तो आप उसके प्रति उदार होकर कार्य करते हैं तो ये ज्यादा बेहतर है। ये आम पब्लिक के लिए तो बेहतर है, लेकिन जो आम पब्लिक तक खाद्यान्न पहुंचाने में डंडी मार जाते हैं उन पर एक महिला अफसर के नाते क्या फर्क? उनके ऊपर तो सख्त कार्रवाई की जाएगी अगर वो गलत करेंगे। दुर्गा काली भी तो महिलाएं, मतलब हम लोग जिस लड़की का इंटरव्यू ले रहे हैं वो आने वाले समय में सख्त सप्लाई इंस्पेक्टर रहेगी। बिहार के संदर्भ में बात करना चाहता हूँ, किसी भी क्षेत्र में अगर बिहार में अगर उस मुद्दे पर बात नहीं किया जाए तो पूरा ही नहीं होता है, खास करके कास्ट फैक्टर, जाति फैक्टर पर मैं बात करना चाहता हूँ कि ऐसा माना जाता है आप मतलब वैश्य समाज से आती हैं, वैश्य समाज से आती हैं, यहाँ पर महिलाएं जो हैं ये व्यवसायी वर्ग होता है, महिलाओं को नौकरी करने देना ज़्यादा ये सब ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता है, लेकिन वही आज समाज कितना बदला है और आपके इस पेशे में आने से मतलब वो जॉब लगने बीपीएससी की वजह से आपके मतलब समाज में और आपके परिवार में क्या माहौल है, लोग स्वागत कर रहे हैं या कुछ विरोध भी हो रहा है? पिछले 2 दिन से तो देख ही रही होंगे, मुझे तो अभी लग रहा है बहुत हर्ष का माहौल है हमारे समाज में, हर जगह इसका स्वागत ही किया जा रहा है और मुझे लगता है ये प्रेरणा भी लोगों को मिलेंगी आगे, क्योंकि अभी अपने गांव में मैं पहली बनी हूँ बीपीएससी क्वालिफाई करके। जब जाति की बात कर रहे हैं आप तो फिर इनकी जाति भी आप क्लियर करिए। नहीं, अब मेरी कोई जाति नहीं है, अधिकारी की जाति नहीं होती, बिल्कुल मैं बिहार में अगर बात करना है तो इस मुद्दे से जाति के बिना कुछ है नहीं। तो अभी खुशबू से हमारा हम लोगों की बहुत इंटरेस्टिंग बातचीत हुई, बहुत अच्छी बातचीत से लगता है कि बहुत कुछ जो कस्बे की लड़कियां क्या सोचती हैं, एक कस्बे एक मध्यम वर्ग की लड़कियां क्या सोचती हैं, और वो पूरा समझने का हमें मौका मिला और मुझे लगता है कि इनसे और प्रेरणा लेने को, तो हर मुद्दे पर बातचीत जाति से लेकर पैसे से लेकर हर मुद्दे पर बात हुई और उपेंद्र लगता है कि अब बातचीत ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मुझे यहाँ दर्शकों को भी अच्छा लगना चाहिए और मैं प्रयास करता हूँ कि उनसे एक खास इंटरव्यू और हम आपको दिखलाएंगे इसके बाद। अब तक आप चैनल पर बने रहे इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और आपको याद होगा रामायणी आज खुशबू कल फिर कोई और। धन्यवाद।